हाय गाइस, वेलकम टू वेएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं और क्रिसमस सेलिब्रेशन पर हम दो तीन जगहों पे जाएंगे। और सबसे पहले जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं एटलांटिस। एटलांटिस जो मैरा में है, मैं आपको दिखाऊंगी कि उधर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। और उधर हम एक प्रिंसेस से भी मिले थे। इसके लिए व्लॉग को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम कौन सी प्रिंसेस से मिले थे। अभी हम जो है एटलांटिस बीच पर हैं और जो है व्यू आप चेक करें। अभी हम एटलांटिस के अंदर भी जाएंगे और अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस जगह को जो है वो एटलांटिस द पाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी जगह बनी हुई है ये पाम के जैसे होते हैं ना लीव्स, वैसे बनी हुई है। जी गाइस, तो आगे क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है तो मैं आपको करीब से भी जाके दिखाती हूँ। और जो है वो आगे और भी डेकोरेशंस दिखाती हूँ कि कौन कौन से इस मॉल में हुई हुई हैं। बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है जी। तो अभी हम जो है वो एक्वेरियम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक एक्वेरियम है तो आपको उसका भी विज़िट करवाएंगे। और डॉल्फिन आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ। अब हम जो है एक्वेरियम साइड पर चलते हैं और फिर आपको वहां पे जाकर दिखाती हूँ। जी गाइस, तो मुझे टिकट एरिया नज़र आया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ये डॉल्फिन एरिया जो है उसके लिए टिकट्स यहां से ली जाती हैं। और ये आप देखें कि कितना खूबसूरत उन्होंने क्रिसमस के लिए जो है सजाया हुआ है। और यहाँ पर जो है जो मैंने आपको प्रिंसेस बताई थी उनसे हम मिले थे, प्रिंसेस समूना से। और जो है ये बड़ा अच्छा सा मोमेंट था। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि हमने वीडियो नहीं बनाई थी तो ये पिक्चर्स थी, तो मैंने कहा कि मैंने आपको दिखाना तो है ना। एक्वेरियम साइड थी उधर जो है, पहले ये था कि हम अंदर जाके बार बार से देख सकते थे लेकिन जो है अब नहीं देख सकते क्योंकि इन्होंने टिकट लगा दी है। द लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम इसका नेम है। और जो है ये मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ, ये चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अंदर हम इस वजह से नहीं गए क्योंकि जो है वो अभी हमारे पास कॉस्ट्यूम्स नहीं थे। हम तो बार बार से देखने जा रहे थे तो टिकट लगी हुई थी उसकी। तो टिकट के साथ ही अगर जाना है तो कॉस्ट्यूम्स वगैरह लेकर आएंगे, फिर आपको विजिट करवाएंगे कि अंदर से कितना खूबसूरत। और ये पार्किंग रिसेप्शन पर हमने जो है वो दिया है कार्ड ताकि उनको पता चल जाए कि हमारी कौन सी कार है और कौन सी लेके आनी है। और अब जो है वो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट जाके भी आपको विज़िट करवाऊंगी कौन से रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं। जी गाइस, तो आप ये ट्रीज़ चेक करें, ये पाम ट्रीज़ हैं क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि ये एटलांटिस द पाम इसका नेम है तो इसलिए ये सारे पाम के ही ट्रीज पे हुए हैं। खाना उधर अफगान पैलेस चले। तो अभी हम जो है अफगान पैलेस आए हैं और ये रेस्टोरेंट मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। यहाँ से हम डिनर करेंगे और फिर आपको रिव्यू दूंगी मैं कि कैसा है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तुम वहाँ बैठे थी जब तुम और मैं। हेलो, ये माय सिग्नेचर। जी गाइस, तो अब आपको यहाँ का मैं मेन्यू दिखाती हूँ।
जो अच्छा नहीं वो मुझे पहले बताओ जी मैं देख रही हूँ Cold beverages. Pineapple का जूस होगा तो वो मुझे मंगा Without ice and sugar. जो है यहाँ पे नसिंग कोई है चेक करें अभी हमें जो है वो लेमन के साथ सिस्टर बहुत ही जरा किसी गहरी सोच में है मैसेज करते हुए और ये मामा खाने का वेट करते हुए चमचे कांटे बजाते हुए थोड़ा लस्सी से हौसला करते हुए अच्छा उसके जी गाइस तो हमने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है ये रोज थोड़े से चपाती जी गाइस बहुत भूख लगी हुई थी तो हमने खाना खा लिया था और अब हम जो है वो एक मॉल जा रहे हैं वहां पे जो है वो क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर जो है वो डेकोरेट किया होता है उन्होंने जी गाइस तो अभी हम जो है कॉफी मॉल आए हैं और यहाँ पे जो है वो एक बहुत प्यारा जो है ट्री डेकोरेट होता है जो सिस्टर ने बताया है तो उसके अंदर भी हम जा सकते हैं और ये इजिप्ट की थीम पर जो है वो बना हुआ है सिस्टर ने बताया था कि ये जो मॉल है ये इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन वो जो थीम है ना क्रिसमस वाली वो बड़ी खूबसूरत है और आप देखेंगे इजिप्ट का जो है पूरी थीम है मैं आपको दिखाती हूँ जिराफा भी है यहाँ पे अफ्रीका जिराफा एंड एलिफेंट और मॉल के कुछ शॉप्स भी आपको बार बार से दिखाती हूँ ये देखें गाइस तो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए अभी आपको ट्री की तरफ लेके जाते हैं शॉप्स भी आते हैं ये देखें लाइट्स सेंटा क्लॉज फ्रेंड्स देखिए ये मुझे वैसे अच्छा लगा ये जो हमारे पाकिस्तान में है ना अमाना मॉल उस टाइप का लग रहा है जगमग्स है जगमग ये चेक करें आप ना आपको दिखाती हूँ कैसे डेकोरेट किया हुआ है एक दोस्त चेक
वाकई यकीन कर रहे हो करना भी मान लो जी गाइस। तो अंदर से भी आप देखें कैसी डेकोरेशन हुई हुई है, बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस डेकोरेशन इन्होंने की हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे भी, जैसे मैंने ग्लोबल विलेज में आपको दिखाया था ना, उसका वैसा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है, थीम अपनी दिखाई हुई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रशिया, यहाँ पे पिक्चर्स देते हैं लोग, और जापान देखते हैं, ये जापान। और अब ग्रीस देखते हैं, ये है व्यू फ्रॉम अपसाइड। आज जो है वो क्रिसमस डे पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बीच पे भी गए, बीच को भी एंजॉय किया, और जो है वो अब मॉल आए हैं, आपको क्रिसमस ट्री भी दिखाया और डिनर भी किया, बड़ा मज़ा आया, एंजॉयड अ लॉट। प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी हमारी क्रिसमस सेलिब्रेशन लगी, और 24 नाइट की भी जो है बारबेक्यू हम दिखाया था वो भी मैं आपको मतलब वीडियो वो भी जो है आई थिंक सो, मुझे अब प्रॉपर पता नहीं है कि मैं वो वाली पहले डालूंगी या ये, क्योंकि क्रिसमस का मज़ा फिर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं जो हूँ मतलब कि एक एक दिन करके डालूंगी, इसलिए रोज़ नहीं डाल सकी क्योंकि आपको पता क्रिसमस सेलिब्रेशन फिर टाइम नहीं मिलता, तो 24 नाइट की भी मैं डालूंगी और ये वाली भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं वो पहले डालूंगी कि ये पहले। और क्रिसमस कैरल्स सुने आप, मेरा ड्रेस भी बताएं कैसा लग रहा है, और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की क्रिसमस वो भी आप बताइएगा कमेंट में। जी गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं और आपको आगे जो है अभी हम जा रहे हैं, एक कावा है पीने वो, और उसका जो है वो मुझे मामा ने और सिस्टर ने बताया है, क्योंकि जो है मामा मैंने खाई हुई है मतलब रिसेंटली, तो इसलिए जो है मामा मुझे बता रही थी कि वो वाला कावा मैंने पिया था बड़ा अच्छा था, उसके अंदर जो है वो बिरयानी, सिस्टर ने बताया कि बिरयानी डलती है और पता नहीं आलू डलते हैं कुछ ऐसा मिक्सचर करके, तो उस कावा बनता है मगर बहुत अच्छा बनता है, तो जो है वो अभी पियेंगे और पी कर जो है आपको रिव्यू दूँगी कैसा है, बताऊंगी कि वो है भी कहाँ, क्योंकि कोई अगर आए तो वो वहाँ से पी सकेगा। दोबारा से एक और व्यू, ये आई है और मेरे साथ जो है ना मेरे घर वालों ने प्रैंक कर दिया कि इसके अंदर कोई बिरयानी नहीं है ये जिंजर मिंट, नेम इज बिरयानी, हाँ ये जिंजर मिंट और हनी से तैयार है। हाय, सो टुडे वी आर एट अलहारा कैफेटेरिया व्हिच इज इन दुबई नियर करामा, एंड वी आर ड्रिंकिंग देयर फेमस बिरयानी चाय व्हिच इज मेड ऑफ लेमन मिंट
जिंजर एंड हनी। जी गाइस, तो अब हम घर जा रहे हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीजें आज देखी, तो आप लोग भी बताइएगा आपको ये व्लॉग देखकर कैसा लगा और डेकोरेशंस वगैरह देखकर भी कैसी लगी। तो इसी के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें। खुदा हाफिज, अगले व्लॉग में मिलेंगे।